दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है साजिद अली शेख और आपका इस ब्लॉग में स्वागत करता हूं। गाइस, आज सुबह से बहुत परेशान थे हम और बहुत टेंशन में थे सुबह ही से। जेड का कॉल आया मुझे सुबह के बच्ची की तबीयत ख़राब है, तो तब से हम लोग उसी में थे। और फिर बाद में फिर उसको वॉमिटिंग वगैरह हो रहा था और फिर इंडिया के मतलब बहुत सारी चीज़ें सूट नहीं कर रही थी। तो गाइस, हम गए पीछे एक डॉक्टर के पास। आज संडे है तो टोटल सब बंद था, तो एक डॉक्टर के पास पीछे है। हॉस्पिटल का नाम पूजा हॉस्पिटल, बच्चे का लाइफ केयर, बच्चे को है ना स्पेशलिस्ट डॉक्टर लिखा हुआ है सब वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर गया। मैं जाके सुबह ही सुबह 8:30 बजे मैंने वहाँ पे जो नर्स वगैरह होती है उनसे मैंने बोला डॉक्टर साहब कब तक आएंगे सर, बोले 11 बजे तक आ जाएंगे। तो मतलब ठीक है, तो मैंने घर पे बोला सब तैयार हो जाओ फटाफट, 11 बजे से पहले पहुँचना है। हम वहाँ पे 10:30 बजे पहुँच गए। 10:30 बजे पहुँचने के बाद फिर बाद में डॉक्टर का पता ही नहीं था, फिर कॉल किया हमने, कुछ नहीं करी। वो इतना सा ला के गले बगल में लगाई और बोलती है चेक करने के लिए, और चेक करते साथ बाद में तुरंत बोलती है। 10:30 बजे पहुँच गए वहाँ पर। पहुँच जाने के बाद फिर डॉक्टर ने बहुत सारा वेट कराया 11:30 बज गया। तो फिर बाद में बोले अब बच्ची फर्स्ट टाइम आई है या बार मतलब और इसके पहले ले चुके, तो हमने बोला फर्स्ट टाइम हम लेके आए। भाई साहब यकीन मानो कि वो लूटने के लिए बिल्कुल खड़े हुए थे। तुरंत 1,000 रुपये बोले पहले जमा करो बाद में बात। तो मैं बोला 1,000? अच्छा, मुझे पता नहीं, मैं बच्ची के साथ में था और मेरा भाई राशिद और जैनब जाके उनको पेमेंट देकर आ गए। फिर बाद में मैं पूछा कि क्या हुआ, बात हुई, कब आ रहे डॉक्टर? बोले हाँ भाई, वो लोग पैसा लेने के लिए बुलाए थे। बोला कितना दिए? तो बोले 1,000 रुपया। यार सिर्फ वो डॉक्टर से मिलने का फीस, यानी वो रहती है बिल्डिंग के ऊपर। ये एक्चुअली में बहुत बड़ा चीट है। डॉक्टर लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि सारे के सारे ऐसे नहीं होते, मुझे पता है। 5 उंगली एक जैसी नहीं होती है, मुझे पता है। लेकिन ये मुझे ज़रूर मालूम है कि यार कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो ना वाट लगा देते हैं यार, सब लोगों का नाम खराब करते हैं। यार वो बिल्डिंग के ऊपर रहती है, ऊपर से नीचे आने में सिर्फ उसने 1,000 रुपये लिया और लिख कर सिर्फ वो एक एंटीबायोटिक लिख कर दिया उन्होंने और एक दो चीज़ लिख कर दी है बस। यार खुद के पास से कोई दवा भी नहीं बोलते। आधे टाइम पे आप आते हो तो हम 700-800 रुपये लेते हैं। आज वो संडे है, स्पेशली उनको बुलाना पड़ेगा। ऊपर से अगर नीचे ऊपर से छींक मारी के जोर से चिल्लाएगी ना तो नीचे तक आवाज़ आएगी। फिर भी उसने ले लिया, फिर वो दवा लेके आए। फिर बाद में हम दूसरे डॉक्टर के पास गए तो खाली बोले लूट ली उसने सुबह सुबह, ठग ली। फिर हम दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाके मुला जी है माशाल्लाह। और यकीनन यार ये इसको बोलते डॉक्टर शम्स मस्जिद के बिल्कुल पास में जो स्कूल है उसके बिल्कुल बाजू में ही है। आप यकीन मानो सिर्फ वो कंसल्टिंग फीस कितना लिया पता है आपको? 1,000 रुपये नहीं लिया, 500 रुपये भी नहीं लिया, 300 रुपये भी नहीं लिया, 200 भी नहीं लिया, सिर्फ 60 रुपीज़ लिया। और दवा देने के बाद अभी माशाल्लाह लड़की एकदम बेहतर दिख रही है। तो सर यार प्लीज़ गाइज, आप मुझे बताओ कि ये जो सुबह जो मेरे साथ हुआ बच्ची के लिए बोलकर खाली उनको पैसा उन्होंने 1,000 रुपये लिया, ये अच्छा है क्या? तो इसके हिसाब से पूरा दिमाग ख़राब था आज पूरा दिन। बोलते ना मन ही नहीं था काम करने का यार, फिर बच्ची की तबीयत ख़राब रहती तो अच्छा नहीं लगता है। तो बहरहाल अभी माशाल्लाह अल्लाह का करोड़ एहसान है, बच्ची एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, मिलाता हूँ। और अभी जेड ने हमारे लिए सूप बनाया है, वो भी सऊदी स्टाइल में। तो ओट्स वगैरह सब डाल के, उसको चिकन वगैरह डाल के एकदम बेहतरीन तरीके से बनाए। तो अब मैं ये चीज़ को चखने जा रहा हूँ। तो लेकिन यार ये सबसे पहले आपके साथ शेयर करता हूँ, इसलिए पहले मैं आपके साथ मीट करके मिला, एक बार मुलाकात भी होना चाहिए, ब्लॉग भी शूट होना चाहिए। और अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो गाइस, जिस तरीके से हम शुरुआत करते हैं कभी कोई भी चीज़ एक दूसरे के साथ खा कर, तो पहला नहीं वाला आपका मेरा। भाई साहब बहुत प्यारा। तो गाइज अभी जस्ट नीचे चले आ रहा हूँ। और अभी क्या लॉकडाउन का अभी जैसा अभी वक्त है ना, तो सारी दुकानें वगैरह ये सब पूरा लगभग सिटी पूरा बंद कर दिया गया। तो अभी देखो ना 10:06 दिखेगा क्या टाइम, दिखा। तो अच्छा इस पे देख लीजिए, तो 10:06 हो चुके हैं। तो फिर लगभग सभी बंद है। तो नीचे मैं राशिद, अभी नीचे ही है राशिद है, वाजिद है,
तो हम लोग अभी नीचे ही बैठे हुए, तो मैं बोला चलो यार आप लोगों से एक बार मुलाकात जब तक नहीं होगी ना तो हमको भी खुद को सुकून नहीं मिलता है। क्या बोलते राशिद भाई? जाहिर सी बात है भाई। तो वही यार, वही डॉक्टर की वजह से ना आज हमारा, मेरा वो डॉक्टर है सुबह से ठगा ना जो, तो समझो कि अभी तक मेरा वही दिमाग में ना सर हो रहा था। लेकिन ठीक है, ऐसा होता है भाई कि बच्चे हैं, बच्चों के लिए तो यार बंदा जो एक माँ बाप का जो प्यार होता है वो तो यार पूरी जान निकाल के सामने आएगी। सीधी सी बात है, हर फायदा होता है, हर माँ बाप का यही होता है कि जब बच्चा बीमार होता है तो माँ बाप को ऐसा लगता है भले मेरे पास में कुछ हो ना हो, अगर मेरी किडनी पे अगर निकाल के अगर बेचना पड़े और मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो चलेगा। तो गाइस ठीक है, हम वही तो सोचते, अल्लाह शिफा देने वाला है, कब किसके ज़रिए से क्या होता है। लेकिन मैं बोलता ना ये मुल्ला जी यार मुझे बहुत पसंद है यार, अगर बोलते ना मैं तो बोलूँगा उनके बारे में, मैं हर जगह पे उनका मैं जाके प्रचार करना चाहिए, क्योंकि एक 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 डॉक्टर ऐसी है कि जो 1,000 रुपया सिर्फ मिलने का ले रही है, ठीक है, ऊपर से नीचे उतरने का, यानी कि ऊपर के फ्लोर से नीचे उतरने का 1,000 रुपया ले रही है, और एक डॉक्टर ऐसा है जो इलाज कर रहा है और सिर्फ 60 रुपये ले रहे हैं, वो कितनी बड़ी बात है सोचो यार। बहुत बड़ी बात है, जो मतलब ऐसा बोला है कि भाई ठीक है हम जो भी हैं, हम जैसे भी हैं फाइनेंशियली हैं या जैसे भी है ठीक है, बट उन लोगों के बारे में सोचो ज़रा जो ये एक्सपेंस नहीं उठा सकते, तो फिर वो क्या करेंगे अपने बच्चों के साथ। नहीं है एक्चुअली, मैं आज का एक्सपीरियंस हमारा बहुत गंदा रहा, और बोलते ना अगर ये डॉक्टर साहब अगर आप देखो ना हमारी वीडियो अगर, तो प्लीज़ थोड़ा सा रियायत करो, क्योंकि बच्चों के नाम पे लोगों को ठगना गलत बात है। और आपने जो इतना कुछ बनाया ना मैम, वो कोई डॉक्टर आपसे ले लेगा, फिर मालिक ऐसा ना करे, लेकिन फिर भी ये हो सकता है। सो गाइस आज हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, और खाने में आज बिल्कुल सादी सी चीज़, दाल चावल और पापड़। तो अब हम खाने जा रहे हैं दाल चावल पापड़। सो सादा आइटम भी कभी कभी खाना चाहिए, तो चलो खाते हैं। सो गाइस मैंने जैसे कि आपको बताया कि खाने में आज एकदम बिल्कुल सादी दाल चावल है, लेकिन मुझे तो यही पता था सादी दाल चावल है, बट दाल चावल के साथ में हमें मिल रहा है चिकन का शोरबा, चिकन का सालन, और उसके साथ में पापड़, और उसके साथ में फिश भी है, यानी कि भाई साहब मैंने जो सोचा उससे ज़्यादा स्पेशल आइटम है। तो यार मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये पहला निवाला पहले मैं आपको खिलाऊं, उसके बाद आगे का कार्यक्रम करूं। ये पहला निवाला आपका और ये दूसरा निवाला मेरा। भाई साहब दाल और सालन को दोनों को मिला दिया हूँ, सब प्यारा स्वाद आ रहा है, बता नहीं सकता। और देखो साथ में अभी चिकन का ओट्स वाला सूप भी आ चुका है। बहुत मज़ा आ रहा है। सो गाइस इस चैनल को आपको ऊपर बनाना ही पड़ेगा, और मेरी दिली तमन्ना है कि हम सब एक साथ में बैठ कर खाएं, तो वो दिन भी जल्दी आने वाला है, फटाफट इस चैनल को ऊपर कर लो आप। और इसी के साथ में मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।